आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे के ये नए तरीके के पापड़। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये देखिए देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका डो लगाएंगे। तो ये जो मैं पापड़ बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे कोई भी बना सकता है बिना किसी झंझट के। और इसमें फटने का और पापड़ों को फटने का, ख़राब होने का कोई भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ये डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं और डो को मैंने जो है थोड़ी देर के लिए सेट कर लिया था। अब हमें क्या करना है कि इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं। इसको मैं जो है दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इन 2 पार्ट्स में से हमें जो है थोड़ा सा और इस तरीके से छोटा पार्ट निकाल देना है। दोनों के साथ मैं ऐसे ही करूँगी। अब ये जो हमने छोटी वाली बॉल लिया है ना, इसमें हम करेंगे फूड कलर ऐड। तो मैं यहाँ पर ग्रीन और रेड फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी फूड कलर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है, इसको साइड में रख देते हैं। सेम तरीके से मैं जो है रेड फूड कलर इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये रेड फूड कलर भी ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको लेना है और ये हमें इस तरीके से कर लेना है। ऐसा करने के बाद अब हमने जिसमें फूड कलर ऐड किया था उसको लेंगे और उसको जो है फ्लैट कर लेंगे हाथों से। तो इस तरीके से हमें इसको जो है बढ़ा लेना है। अच्छे से उसको बड़ा करने के बाद अब हमें वाइट वाला पार्ट इसके अंदर रखना है और इसको जो है इस तरीके से पूरा जो है कोट कर देना है। सेम तरीके से ग्रीन वाले को भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है पैन में और इसे इसमें डाल देंगे। पानी गर्म होने के बाद ही इसको डालें। तो यहाँ पर पानी गर्म मैंने पहले ही होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने इसमें इनको डाल दिया है। अब हमें इन्हें जो है 1/2 घंटे के लिए पकाना है। तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए हम जो है इनको पका लेंगे 1/2 घंटे के लिए अच्छे से। बीच बीच में हल्के हाथ से इनको जो है चलाते रहिए। तो यहाँ पर मैंने इनको पका लिया है पूरा 1/2 घंटे के लिए और आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे एक प्लेट में और इनको जो है ठंडा होने देंगे। यहाँ पर इन्हें ठंडा होने के बाद अब हमें कोई भी पॉलिथीन शीट लेनी है और इसमें इस तरीके से इसको जो है पैक कर देना है। तो दोनों रोल्स को हम जो है इस तरीके से जो है पॉलिथीन में जो है इस तरीके से पैक कर देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में 1/2 घंटे के लिए। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रख दीजिए। मैंने यहाँ पर आधे घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद इनको बाहर निकाल दिया है और इस पे से पॉलिथीन हटाने के बाद अब हमें इसको जो है कट कर लेना है। तो जिस तरीके से हम जो है चिप्स को कट करते हैं ना, छोटा छोटा पतला पतला, वैसा ही हमें जो है इनको भी कट कर लेना है। तो एकदम पतला पतला हम जो है इस तरीके से इनको जो है कट कर लेंगे। तो सारे ये जो चिप्स हैं वो हम कट कर लेंगे इसी तरीके से। तो सेम तरीके से हम जो है ग्रीन वाले भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद इनको जो है एक प्लेट में जो है इस तरीके से रख देना है और 2 से 3 दिन की धूप में अब मैं इनको अच्छे से सूखने दूंगी। तो 3 दिन की धूप के बाद ये अच्छे से सूख चुके हैं और ये देखिए कितने पतले भी हो चुके हैं। तो ये हमारे चिप्स बन करके तैयार हैं। अब आप इनको एयरटाइट कंटेनर में 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।